इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां इंदौर के भौरकुआ थाना क्षेत्र के पालदा के उद्योग नगर में व्यवसाय करने वाले संस्थान में घुसकर एक महिला सहित 3-4 पुरुषों ने व्यवसायी के साथ जमकर मारपीट की। वहीं महिला द्वारा लाठी से स्कॉर्पियो गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और महिला सहित अन्य बदमाशों की तलाश भी शुरू कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से, जहां पालदा क्षेत्र में व्यवसायी से मारपीट की गई है। महिला और उसके साथियों ने यह मारपीट की है। वहीं दुकान के बाहर खड़े वाहन में तोड़फोड़ भी की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जहाँ भौरका पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जहां इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से, भौरका थाना क्षेत्र के पालदा के उद्योग नगर से है। दरअसल इंदौर के भौरका थाने पहुंचकर फरियादी राजकुमार चौहान ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी कि 14 मार्च को उद्योग नगर स्थित अपनी संस्थान पर बैठा था। उसी दौरान राजकुमार के पिता की दूसरी पत्नी 3-4 साथियों के साथ पहुंची और विजय चौहान के बारे में पूछताछ की, मगर विजय चौहान वहां नहीं मिला, जिससे महिला आक्रोशित हो गई और संस्थान के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो में लाठी से जमकर तोड़फोड़ कर डाली। साथ ही फरियादी राजकुमार के साथ भी लाठी से मारपीट की है, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा भौरका थाने में की गई है। वहीं तोड़फोड़ की पूरी घटना बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब महिला सहित अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना भौरका क्षेत्र की घटना है। ये फरियादी राजकुमार चौहान, पिता विजय चौहान, ने थाने आकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 14 मार्च 2022 को वह अपने उद्योग नगर पालदा स्थित संस्थान पर बैठा हुआ था। उसी दौरान उसके पिता विजय चौहान की दूसरी पत्नी वहां पर अपने तीन चार साथियों के साथ आई और उससे जो है वो राजकुमार विजय चौहान के बारे में पूछा और वो वहाँ उपस्थित नहीं थे, तो महिला के द्वारा उसके साथियों के साथ वहाँ पर तोड़फोड़ की गई और फरियादी के साथ मारपीट की गई। साथ ही साथ संस्थान के बाहर जो है वो फरियादी की स्कॉर्पियो गाड़ी रखी थी, जिसमें भी तोड़फोड़ की और जो है वो महिला उसके साथियों के साथ वो स्कॉर्पियो गाड़ी लेके चली गई। फरियादी द्वारा बताया गया है कि जो महिला है, इसमें महिला आरोपी जो है वो फरियादी की मां की मृत्यु के बाद जो है वो उसके पिता की धर्मपत्नी के रूप में रह रही थी और उनका जो है ना वो आपसी पारिवारिक ये मसला है। प्रकरण में गिरफ्तारी 6 आरोपियों की।